वज्रसूरी के निकट 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यह साधना उन लोगों के लिए खास है जो साधना के क्षेत्र में है, हीलिंग के क्षेत्र में है, तंत्र साधना या किसी भी तरह की चिकित्सा के क्षेत्र में है, उपचार के क्षेत्र में है, पूजा पाठ के क्षेत्र में है। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष कर्म कांड हस्तरेखा के क्षेत्र में हैं तो ऐसे लोगों के लिए साधना बहुत ही अनिवार्य मानी गई है। इससे मन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है, सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने की क्षमता तेजी से आती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं, एक तो शिविर में आकर आप स्वयं भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में फॉर्म भर के भाग ले सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा करेंगे कि श्राद्ध पक्ष में हम अपनी मनोकामना की पूर्ति कैसे करें और अपने जीवन में तरक्की कैसे करें। इसके लिए खास प्रकार की विधि मानी जाती है और ये जो विधि होती है वो किसी भी श्राद्ध पक्ष में किया जा सकता है, किसी भी अमावस्या या ग्रहण के दिन भी किया जा सकता है। ये बहुत खास विधि मानी जाती है, 20 मिनट का प्रयोग माना जाता है। इस प्रयोग के द्वारा आप अपने पूर्वजों से आशीर्वाद मांग लेते हैं। कहने का अर्थ है, अगर आपके जीवन में आर्थिक अड़चनें चल रही हैं, अगर आपके जीवन में रिलेशनशिप से संबंधित अड़चनें चल रही हैं, चाहे विवाहित जीवन में कोई अड़चनें आए, संतान के जीवन में कोई अड़चनें आए, शादी नहीं हो पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, सगाई टूट रही है, विवाह टूट रहा है, विवाह टूटने की कगार पे चला गया है, संतान नहीं हो रहे हैं, संतान में समस्या है या संतान गलत मार्ग में है, यानी आपकी जो वंश परंपरा है वो बराबर नहीं है, तो फिर आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आपको पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि जो पितरों का आशीर्वाद होता है वो आर्थिक रूप से एक आशीर्वाद मिलता है और दूसरा वंश रूप में एक आशीर्वाद मिलता है। तो ये दो जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मानी जाती हैं, क्योंकि परिवार चलाने के लिए आर्थिक रूप से आप मजबूत होने चाहिए। उसके बाद आपके अगर परिवार में एका नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, शांति नहीं है, तो आपका परिवार बिखर जाता है और आपका वंश परंपरा अच्छी तरीके से चले इसके लिए पितरों का आशीर्वाद जरूरी है। तो ये खास प्रयोग है और बहुत आसान प्रयोग भी है। ये प्रयोग किसी भी पितृ पक्ष में, किसी भी अमावस्या में, किसी भी ग्रहण के दिन किया जाता है। तो आइए जानते हैं करें क्या। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें, अपने सामने एक स्टील की प्लेट ले लें, उसमें आटे का दिया बनाएं, यानी आटे का दीपक, वो भी चावल के आटे का दीपक बनाएं। चावल का आटा आपको मार्केट में आसानी से मिलता है, थोड़ा सा आटा ले लीजिए, पानी डाल के मिला लीजिए, वो जब बन जाए, गुथ जाए, तो उसको एक आकार दे दीजिए, दीपक का एक आकार दे दीजिए और उसको रख दीजिए उस स्टील की प्लेट में। और उसमें जो रुई है, उसका जो लौ है, वो आप उसमें लगाइए, सरसों का तेल डालिए उसमें, और उस लौ का जो मुख रहेगा साउथ की तरफ रहेगा, दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा, बस इतना करना है। चावल के आटे का दिया, याद रखें, चावल के आटे का दिया आप बनाइए, उसमें सरसों का तेल डालिए, और उसके बाद जो लौ होगा दीपक का वो साउथ की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ होगा, बस इतना आपको करना है। और इतना करने के बाद खास प्रकार की मुद्रा लगानी है, और वो मुद्रा है ये, देखिए लीजिए, ऐसे आपको जिस तरह से मैंने किया है, ये ऐसे अंगूठा नीचे की तरफ, ये अंगूठा है, ये देख रहे हैं, ये अंगूठा नीचे की तरफ, ये आपको इस पोज में, जो पोज में मैं हूं उस पोज में, ये देख लीजिए, अंगूठा नीचे की तरफ रहेगा, ऐसे नहीं, ऐसे नीचे की तरफ रहेगा। ये अंगूठा नीचे की तरफ रखें, आगे चक्र पर ध्यान दें। आप दोनों हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो एक हाथ से भी करें तो भी चलेगा, और आगे चक्र पर ध्यान दें। आगे चक्र पर ध्यान देकर 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे,
जितनी देर हो सके रोक कर रखें, धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर देख लीजिए, यही मुद्रा, ये देख लीजिए, यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम पितरे सुराय सर्व विघ्न निवारणाय स्वधा, 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 ओम पितरे सुराय सर्व विघ्न निवारणाय स्वधा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम पितरे सुराय सर्व विघ्न निवारणाय स्वधा, ओम पितरे सुराय सर्व विघ्न निवारणाय स्वधा, ओम पितरे सुराय सर्व विघ्न निवारणाय स्वधा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। ये मुद्रा लगाकर ये मंत्र का जाप करना है, इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। 10-15-20 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें बस। ये मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। आप इसमें अपनी मनोकामना भी मंत्र जप करने के बाद मांग सकते हैं, मनोकामना नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। याद रखें, ये प्रयोग से आर्थिक और वंश से संबंधित अड़चने दूर होनी शुरू हो जाती है। इस प्रयोग से आर्थिक और वंश से संबंधित जो अड़चने होती हैं वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है, दूर होनी शुरू हो जाती है। ये जीवन का मूल आधार है। आप अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वज को अहमियत नहीं देते और देवी देवता को आप मानते हो तो देवी देवता की कृपा कभी नहीं मिलेगी। शास्त्र कहता है कि जब देवी देवता की आप पूजा आराधना करते हैं तो एक प्रकार से देवी देवता ये कहते हैं, आप अपनों को वैल्यू नहीं देते, आप अपनों को वैल्यू देते नहीं हो, मेरे पास क्या करने आए हो। अपने मतलब एंसेस्टर, आपके पूर्वज, करना कुछ नहीं है। आंख बंद करके अगर प्रे कर लो, उनसे आशीर्वाद मांग लो तो क्या जाता है, कहने का मतलब है। और पितृपक्ष में तो पूरा उनको अहमियत देना चाहिए। पितृपक्ष हो गया, अमावस्या हो गया, तो ऐसे समय में इनको अहमियत देना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कभी कभी कोई देवी देवता का पूजा करते समय इतना लाभ नहीं मिलता जितना कि इनकी आराधना से, इनका ध्यान करने से आपको मिल जाता है। और यही कारण है कि हम लोग साध अमावस्या में पितृदोष निवारण पूजा करवा रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा तृप्त रहे। ये खास पूजा हम लोग करवा रहे हैं। ये पूजा में अगर भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप भाग ले सकते हैं। उसमें आप प्रत्यक्ष आकर भी पूजा में भाग ले सकते हैं और ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। कहने का मतलब है, एंसेस्टर का अनुष्ठान हमारा आपका ये फर्ज है, इससे हम आप बच नहीं सकते। और जो लोग बचने की कोशिश करते हैं, जो एंसेस्टर के लिए पिंडदान या पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में इनका नाम नहीं लेते, इनकी आराधना नहीं करते, इनकी पूजा नहीं करवाते, तो उनके जीवन में आने वाले कल में उनकी संतान मूल नक्षत्र में पैदा होती है। मूल नक्षत्र का मतलब ये होता है कि जिनकी कुंडली में मघा, अश्लेषा, रेवती, ज्येष्ठा, मूल ये नक्षत्र हैं, तो उनको पितृदोष लग जाता है। पितृदोष का सिंपल सा अर्थ यह है कि वंश परंपरा में अड़चन, नजर, तंत्र, बाधा, ये सब चीजें तो हैं ही हैं, और धन का भी नुकसान, ये चीजें शुरू हो जाती हैं। इसलिए एंसेस्टर को अहमियत देनी ही चाहिए। हमारी सनातन काल से ही ये नियम आ रहा है कि हर व्यक्ति को, जैसे श्राद्ध पक्ष आता है उसमें अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करना ही चाहिए, पूर्वजों के लिए पूजा अवश्य करवानी चाहिए। और यही कारण है कि हम लोग यह अमावस्या को ये पूजा करवा रहे हैं। तो जिनको भाग लेना है उसमें वो लोग भाग ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, अभी का जो प्रयोग था कि ये खास मुद्रा लगाएं, 10 बार प्राणायाम करें, 10 बार प्राणायाम करने के बाद, 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर ये मंत्र का जाप करें, ठीक है। और वो जो मंत्र है, ओम पितरे सुराय सर्व विघ्न निवारणाय स्वधा, ओम पितरे सुराय सर्व विघ्न निवारणाय स्वधा, ओम पितरे सुराय सर्व विघ्न निवारणाय स्वधा, ओम पितरे सुराय सर्व विघ्न निवारणाय स्वधा। तो इनके मंत्रों का जाप करें और आप लाभ उठाएं। बेहिसाब लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। जब चावल के आटे का दिया लगता है और सरसों के तेल के साथ उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होता है, उस समय जो भी मनोकामना आप अपने पूर्वजों से करेंगे, अपने एंसेस्टर से करेंगे, आपको ऐसा लगेगा
जैसे उनकी कृपा हो रही है। मैंने पहले ही कहा इनकी कृपा पहले नंबर पे आर्थिक जो अड़चने होती हैं उनके लिए होता है, और दूसरा जो होता है वंश परंपरा के लिए होता है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग, एक लड़की शादी करके जब अपने ससुराल जाती है तो बड़े बुजुर्ग जब उसको देखने के लिए आते हैं तो उसको पहला आशीर्वाद यही देते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो। दूधो नहाओ का मतलब है वेल्थ, समृद्धि, सुख, इसका आशीर्वाद बुजुर्ग देते हैं। और दूसरा है पूतो फलो, मतलब वंश परंपरा अच्छे से तरक्की करें, ये आशीर्वाद हमारे बुजुर्ग लोग देते आए हैं। कहने का मतलब है इसलिए पितृपक्ष का आपको लाभ लेना चाहिए। ये मंत्र आप किसी भी अमावस्या ग्रहण या पितृपक्ष में कर सकते हैं, बहुत काम में आता है। इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि ये प्रयोग करने के लिए किसी पंडित की आवश्यकता हो, ऐसा कुछ नहीं। ये प्रयोग करें, अपनी मनोकामना करें, आपको लगेगा कि जैसे आपके पूर्वजों की कृपा आपका, आपके ऊपर, आपके वंश के ऊपर हो गई है, ऐसा आप महसूस करेंगे। इनकी कृपा का मतलब सुख शांति, सिंपल सा फार्मूला है। तो बस ये प्रयोग करें, और जिनको पितृ दोष निवारण पूजा में भाग लेना है अमावस्या के दिन तो वो आ सकते हैं, और जो नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। बस आप अपने जीवन में सफल रहें, तरक्की करें, आपका परिवार का भला हो, सब कुछ अच्छा हो, आपके मन के मुताबिक आपकी मुराद पूरी होती रहे। धन्यवाद।